दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वापस आकर हमारी वीडियोस को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपके जोड़ों में दर्द रहता है, हड्डियों से कटकट की आवाज आती है, चाहे घुटनों का दर्द हो, चाहे कमर दर्द हो, यानी आपके शरीर में किसी भी तरह का कोई भी जॉइंट पेन है, तो ये रेमेडी, ये वीडियो आपके लिए बहुत कमाल की होने वाली है। इससे आपका हड्डियों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको बहुत राहत महसूस होगी। साथ ही साथ दोस्तों, कई बार हमारी हड्डियों में सूजन आ जाती है, हमें कमजोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होती है, बेवजह ही थकान लगने लगती है। बिना काम किए ही आराम करने के बाद भी अगर आपको थकान लगती है, तो आज की ये रेमेडी आपके लिए बहुत खास है। तो चलिए जानते हैं इसे बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो हमने लेनी है, वो दोस्तों है 6 से 7 हमने बादाम लेनी है। बादाम के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, हमारे दिल, दिमाग और शरीर को मजबूत बनाता है बादाम का सेवन। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं। साथ ही साथ बादाम में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी होता है। हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये चीजें बहुत ही आवश्यक हैं। कई बार हमारे शरीर में जो दर्द होता है, घुटनों का दर्द, कमर में दर्द या फिर हमारे जॉइंट पेन होता है, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी से होता है। 4 से 5 बादाम भी अगर आप लेते हैं दोस्तों, तो कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, हड्डियों के दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और साथ ही साथ बादाम हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बादाम में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है, जिससे हमारी त्वचा पर ग्लो आता है, स्किन पर ग्लो आता है। साथ ही वजन कम करने के लिए बादाम का सेवन बहुत फायदेमंद है। बादाम में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। जब हम इसे लेते हैं तो ये हमें ओवर ईटिंग से भी बचाता है, क्योंकि इसे लेने से हमारा पेट लंबे समय तक भरा रहता है। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आप मेरे को सामने सवाल पूछना चाहते हैं और तुरंत आंसर लेना चाहते हैं, तो मैं 7 से 7:30 रोजाना लाइव आती हूँ दिव्या शर्मा चैनल पर शाम को। दोस्तों, दूसरी चीज जो यहाँ मैंने ली है वो है सौंफ। सौंफ के बारे में हम सबको पता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। सौंफ के दाने हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं। सौंफ में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, और यह जो कैल्शियम होता है, यह हमारे जोड़ों के दर्द में आराम देता है। कई बार हमारे शरीर में जो दर्द होता है, हड्डियों से कटकट की आवाज आती है, जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, खासकर कैल्शियम की कमी हो जाती है, उससे हमारे जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। और एक उम्र के बाद तो ठीक है कि जॉइंट पेन होता ही है एज्ड होने के बाद, लेकिन आजकल छोटे बच्चों में भी ये कैल्शियम की कमी, जोड़ों का दर्द शुरू हो चुका है। कहीं गर्दन का दर्द, कहीं कलाई का दर्द, हाथों में दर्द, कोहनी में दर्द। सौंफ लेने से दोस्तों हमारा डाइजेशन तो अच्छा होता ही है, साथ ही साथ दर्द को भी ये दूर करता है। जोड़ों के दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव से राहत दिलाता है सौंफ, और साथ ही साथ दोस्तों ये मोटापे को भी कम करता है। सौंफ को जब हम दूध के साथ लेते हैं तो इसके पोषक तत्व 4 गुना और बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज जो हम यहाँ ले रहे हैं वो है मिश्री। मिश्री भी हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, गले की खराश के लिए बहुत फायदेमंद है, हमारे पैरों में हो रही जलन को दूर करती है, ठंडक प्रदान करती है। गर्मियों के मौसम में मिश्री का सेवन जरूर करना चाहिए। शक्कर की जगह पर हमेशा ही मिश्री का इस्तेमाल करें, या फिर आप गुड़ का इस्तेमाल करें। गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन होता है, कैल्शियम होता है। गुड़ हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी, यानी कि खून की कमी को पूरा करता है, कभी भी एनीमिया की समस्या नहीं होने देता। गुड़ या मिश्री, जिसे हम शुगर कैंडी भी कहते हैं, या फिर मिश्री, आपको किसी भी पंसारी की दुकान पर बहुत आराम से मिल जाएगी। कोशिश करें दोस्तों कि धागे वाली मिश्री ही आप लेके आए। धागे वाली मिश्री जो होती है वो भरपूर मात्रा में फायदा देती है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है। हमने जो यहाँ नेक्स्ट चीज लेनी है वो है काली मिर्च। 5 से 6 हमने काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, साथ ही साथ दोस्तों हड्डियों के दर्द से भी हमें बहुत राहत देती है, कफ से छुटकारा दिलाती है, वात शरीर में से बाहर करती है। काली मिर्च बहुत ही बढ़िया दर्द निवारक है, हमारे दर्द को कम करती है। हमें जो घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी है। अगर नॉर्मली इस काली मिर्च को चूस भी लिया जाए तो भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। जो पाउडर मैं आज आपको बनाना बता रही हूँ, ये आपके शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा।
कैल्शियम की कमी को दूर कर देगा, साथ ही साथ जोड़ों के दर्द में राहत देगा, बॉडी को चुस्ती और फुर्ती देगा। अगर आप इसे अपने बच्चों को भी देते हैं तो बच्चों की मेमोरी तेज हो जाएगी, याददाश्त बढ़ जाएगी, उनकी ब्रेन पावर इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 5 बड़े चम्मच सौंफ लिए हैं और 10 से 12 मैंने बादाम लिए हैं। सौंफ, बादाम, ये दोनों चीजें और इसके साथ मिश्री लेनी है। दोस्तों अगर आप मीठा पसंद नहीं करते तो मिश्री कम भी कर सकते हैं। आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे या फिर घर पर भी आप खाना खाने के बाद आप सौंफ और मिश्री का सेवन करते होंगे, उसके पीछे कारण क्या है कि ये सौंफ और मिश्री आपस में मिलने के बाद डाइजेशन को इम्प्रूव कर देती है, हाजमे को दुरुस्त कर देती है। तो इन चीजों को हमने इस्तेमाल करना है और इसके साथ हम ले रहे हैं 6 काली मिर्च। इन सब का आपने एक ग्राइंडर में डालकर पाउडर तैयार कर लेना है। ये पाउडर आप बच्चों को दे सकते हैं, बुजुर्गों को दे सकते हैं, यानी कि परिवार के सभी मेंबर को दिया जा सकता है। आजकल बच्चे लैपटॉप के आगे काम करते हैं, उनकी गर्दन में दर्द हो जाता है, गर्दन की मसल्स में पेन होता है, शोल्डर में पेन शुरू हो जाता है, या कंधों में या जोड़ों में कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाता है, खड़े होने लगते हैं, उनके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। तो दोस्तों जो मिश्रण, जो पाउडर हम बना रहे हैं वो आप अपने बच्चों को जरूर दें, उनमें स्ट्रेंथ लाने के लिए, उनके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा जो हमने इसके अंदर बादाम इस्तेमाल किए हैं, बादाम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देते। इसमें मौजूद मैग्नीशियम हमारे वजन पर कंट्रोल करके रखता है, यानी वजन नहीं बढ़ने देता, और छोटी मोटी बीमारियां तो बहुत दूर हो जाती है, होती ही नहीं। ये कब्ज से हमें राहत देता है, हड्डियों को मजबूती देता है, वज्र जैसा बना देता है। रोजाना हमने इसमें से सिर्फ 1 चम्मच का ही इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि आप इसे दूध के साथ लें और रात को सोते टाइम लें तो जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर इस्तेमाल होने वाली काली मिर्च हमारे जोड़ों के दर्द यानी जॉइंट पेन से तो राहत देती ही है, साथ ही साथ ये वाई यानी वात को भी दूर कर देती है। अर्थराइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए लाल मिर्च की बजाय अगर आप काली मिर्च अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं तो ये शरीर के अंदर जोड़ों में सूजन नहीं होने देती, दिमाग को भी तेज करती है। तो हमने यहाँ 1 गिलास गरम गरम दूध लिया है, उसके अंदर 1 चम्मच इस पाउडर का डाल देना है। ये भरपूर पोषक तत्वों वाला दूध, कैल्शियम और विटामिन डी वाला दूध जो है वो तैयार हो गया। ये हड्डियों को मजबूती देता है, दांतों को मजबूती देता है, थकान कमजोरी नहीं आने देता। बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी इसका सेवन बहुत आराम से कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पेट की मूवमेंट बिगड़ने के बाद यानी कि बॉडी के अंदर जो खाना हम खाते हैं वो पचता नहीं है, ना पचने के कारण ही बॉडी के अंदर वात बनती है, कफ बनता है, पित्त बनता है। तो ये पाउडर जो है खाने को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करने का भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर हमने सौंफ और काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ये वात, पित्त और कफ तीनों चीजों को बैलेंस करके रखता है, ये याददाश्त को बढ़ाने का काम करता है, जोड़ों के दर्द से राहत देता है। दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और अगर आपके कोई सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आप मेरे से सामने आकर सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं 7 से 7:30 रोजाना शाम को लाइव आती हूँ, आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।